फिल्म के झूठे प्रकरण में फंसाने के मामले में राजपूत समाज के लोगों ने केंद्रीय नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव किया और उचित कार्रवाई की मांग करी। अफीम के झूठे मामले को लेकर राजपूत समाज जनों ने करनी सेना के पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय घेरा और नारकोटिक्स विभाग में पदस्थ सब इंस्पेक्टर मधुसूदन पाठक पर गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने एक वाहन के सौदे को लेकर पुरानी रंजिश निकाली और गोविंद सिंह भाटी को अफीम के झूठे केस में फंसाया। करनी सेना के पदाधिकारियों ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए और तब तक के कोई कार्रवाई नहीं की जाए। गोविंद सिंह जी पार्टी को पूर्ण तरीके से फंसाया जा रहा है और पूरा परिवार राजपूत समाज मंदसौर से बुनियाखेड़ी से ये लोग आए हैं और पूरा कर्म ये है कि पाठक जी करके एक सीबीएन के कोई ऑफिसर है जिनसे गाड़ी ली थी गोविंद जी ने, क्योंकि वो ड्राइवरी का काम करते हैं और टैक्सी का काम उनका है, ड्राइवरी और टैक्सी का काम है, गाड़ियाँ कहीं बाहर जाती है तो उन्होंने गाड़ी पाठक जी से खरीदी। पाठक जी से गाड़ी खरीदने के बाद अगर पाठक जी ने गाड़ी नाम पे नहीं करवाई तो उन्होंने कुछ बोला उनको, साहब मेरी गाड़ी नाम पे करा दो या पैसे दे दो या चेक लगा दे, लेकिन उन्होंने उनकी खुन्नस निकालने के लिए, वो एक सीबीएन के अधिकारी हैं, नारकोटिक्स के अधिकारी हैं, उन्होंने उनका उस पद का गलत उपयोग किया। और जब गोविंद सिंह जी के गाँव में कोई प्रोग्राम चल रहा था, शिव महापुराण, ठीक है, शिव महापुराण ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा था, शिव पुराण, तो उन्होंने एक किसी थर्ड पार्टी को फ़ोन किया कि साहब गोविंद सिंह जी के यहाँ से गाड़ी लेके आनी है, अपने को शिरडी चलना है, ये कहकर वहाँ से गाड़ी उठी और उनको ये भी बोला कि आप ही आओ, लेकिन वो नहीं आ पाए तो उन्होंने गोविंद करके एक ड्राइवर है उसको भेजा, और गोविंद को ड्राइवर को जब भेजा उन्होंने तो उन्होंने ये बोला कि हम फैमिली के साथ चलेंगे, थर्ड पर्सन वो, उसका फ़ोन नंबर है, नाम पता हमारे पास नहीं है। जो मारनखेड़ा टोल है वहाँ गए, उस वो संदिग्ध बात कर रहा था कुछ अफीम या जो भी ब्राउन शुगर की उसने बात की, तो ड्राइवर को पता चल गया साहब ये आदमी गलत है, तो उसने जब बात की वहाँ पे कि साहब मालिक से बात की जो गोविंद सिंह जी भाटी है जिन्होंने गाड़ी खरीदी पाठक साहब से, उनसे बात की और उसने बोला साहब ऐसे से बात कर रहे, तो वो आदमी जो थर्ड पार्टी था वो वहीं उतर गया और उसने जैसे उतरा वो और पीछे सीबीएन वाले आ गए और आने के बाद उसने गाड़ी चेक की, उस टाइम कुछ नहीं मिला, जब पाठक जी आए तो उन्होंने कुछ सामान रखा और उसका केस बना दिया। और इसलिए आज सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और डीएनसी से निवेदन करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो ये फर्जी केस बनाए हैं, 300 ग्राम ब्राउन शुगर है, 290 ग्राम ब्राउन शुगर है वो रखी उन्होंने और न किससे मिलने दे रहे हैं उससे। और जो ड्राइवर है उसका बयान, उसने पूरी पूरी बात यही बोली है कि इन लोगों ने मेरी गाड़ी चेक की, कुछ नहीं मिला, फिर बाद में पाठक जी आए और उन्होंने सामान रखा। कुल मिला के पूरा पूरा मामला फर्जी है और फंसाया जा रहा है इनको, सिर्फ वो गाड़ी की खुन्नस निकाल रहे हैं। और गोविंद सिंह के भाई पप्पू सिंह अपनी पीड़ा बताते हुए मीडिया के सामने फपक पड़े। उन्होंने कहा कि मेरे भाई गोविंद सिंह को झूठे प्रकरण में फंसाया जा रहा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इस तरह से वह जेल चला जाएगा तो उसके बच्चों का क्या। सर मेरे भाई को उसने मधुसूदन पाठक से गाड़ी ली थी और गाड़ी नाम पे नहीं कर रहा था, पैसे देने के बाद उस वक्त कुछ हल्की कहा सुनी हुई, उसने भाई को फंसाया था और गोविंद टिपन जो ड्राइवर है उसको फंसाया था। अगर इस तरह से काम हुआ तो सारा परिवार आत्महत्या कर लेगा। सर मेरे भाई को कर्जा था, उसने जमीन बेची तो उसके पास कुछ पैसे आए थे, उसने सोचा कि मैं इसको फंसा दूँ ताकि ये लोग मेरे को पैसा दे देंगे। ये बात उसके सगा बेटे की पैसा कर दिया था सर हमारे पास, कर्जे वाले को पैसे दे दिए और मेरा भाई टैक्सी लाइन में गाड़ी चलाता था तो उसने योजनाबद्ध तरीके से उसको फंसाया। अगर इस हिसाब से हुआ तो लोग कैसे जाएंगे इस बात में, इस मोदी जी के राज में कैसे जाएंगे सर। अभी इनको पैसे नहीं करना था, मेरी हत्या कर दी और हमारा परिवार आत्महत्या कर देगा अगर फसद न्याय नहीं हुआ तो। जी मेरा नाम पप्पू सिंह है, वो मेरे मौसी का बेटा है और इतना प्यारा बेटा सर, कभी जिंदगी में उसने थी अभी हम देखी हो तो उसको सर गोली मार दो बिच्छू राय में, मुझे कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को इतना गलत हो जाएगा। फिल्म के झूठे मामले को लेकर गोविंद सिंह के परिजनों ने सब इंस्पेक्टर मधुसूदन पाठक को कटघरे में खड़ा किया और वाहन सौदे को लेकर कई सवाल। जो भी है पाठक सर के साथ में खिलाफ करे, क्योंकि अगर वो ऐसा सही इंसान था तो उसने आज के पहले सस्पेंड क्यों हुआ हो। उसने जो भी काम करना था, कुछ भी लेन देन करना था तो मुँह से बोलना था, मेरे भैया के ऊपर क्यों आरोप निकालना, मेरे भाई भी निर्दोष है, हमारे घर में एक ही इंसान है, वो भी 500 रुपए ड्राइवर ही करता है, टूटा हुआ है, हम कैसे घंटे भर तक केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय घेरने के बाद उनकी उच्च अधिकारियों से बात हुई और निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद ही राजपूत समाज जन घर को लौटे।